आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर थर्ड, केयरिंग फॉर स्पेशल पीपल, जो विशेष लोग होते हैं उनकी देखभाल करना। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिखाई देती है इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिलअप करने हैं विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स, जो आपको बॉक्स नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपको बॉक्स दे रखा है, इसमें तीन आंसर है और इन ब्लैंक को फिलअप करना है। आपको जो ये पीपल है कैसा दिखाई दे रहा है, मैन ये है ओल्ड, बॉय कैसा है सिक, और ये कैसा है ब्लाइंड। थिंक हाउ यू कैन हेल्प देम, टेल योर फ्रेंड, बताओ आप इनकी मदद कैसे कर सकते हो, अपने दोस्तों को बताओ। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। वी आर हेल्दी एंड एबल टू डू आवर टास्क, हम स्वस्थ हैं और अपना काम सही से हम टास्क को पूरा कर सकते हैं। बट देयर आर सम पीपल हु डू नॉट हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, परंतु कुछ लोग हैं जिनके क्या होते हैं, जो उनका शारीरिक स्वास्थ्य होता है वो ठीक नहीं है और उनका जो माइंड है वो भी ठीक नहीं है। दे आर अनेबल टू डू सम ऑफ देयर डेली एक्टिविटीज, दे आर अनेबल, वो क्या है, सक्षम नहीं है, असक्षम है क्या करने में, अपने हर रोज़ के डेली एक्टिविटीज मतलब प्रतिदिन की जो क्रियाएँ होती है उनको करने में भी वो सक्षम नहीं है। सम पीपल आर ओल्ड एंड सिक, कुछ लोग बूढ़े और बीमार होते हैं। सम कैन नॉट सी, कुछ लोग देख नहीं सकते। सम पीपल कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, कुछ लोग चल नहीं सकते। वाइल अदर कैन नॉट लर्न थिंग्स क्विकली, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को जल्दी से समझ नहीं सकते। दीज पीपल हैव स्पेशल नीड, ऐसे लोगों को विशेष ज़रूरत होती है। वी शुड हेल्प देम वैन एवर दे नीड, और हमें उनकी मदद करनी चाहिए जहाँ भी उनको ज़रूरत हो। ये लोग क्या होते हैं बेटा, ये लोग होते हैं जैसे ओल्ड है, वो जब उनकी एज हो जाती है वो चल फिर नहीं सकते हैं, उनको सहारा देके चलाना पड़ता है, या फिर जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता। इन लोगों को स्पेशल पीपल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनकी अलग से केयर करने की हमें नीड होती है। फर्स्ट है हमारा ओल्ड पीपल। व्हेन पीपल ग्रो ओल्ड, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, देयर बॉडी बिकम वीक, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। दे बिकम अनेबल टू डू मैनी ऑफ देयर टास्क, अनेबल होता है असक्षम होना, वो अपने बहुत सारे कामों को करने में असक्षम हो जाते हैं। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, जैसे आपके बुजुर्ग दादा दादी हैं या नाना नानी हैं जो अच्छे से चल नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, वो अच्छे से चल नहीं सकते सही तरीके से। दे नीड वॉकर और स्टिक टू वॉक, उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वॉकर की, या फिर एक हाथ में छड़ी लेके उसके सहारे से वो चलते हैं। देयर आई साइट बिकम्स वीक, आई साइट होती है आँखों की रोशनी, उनकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। सो दे कैन नॉट सी प्रॉपरली, और इसीलिए वो अच्छे से देख नहीं सकते। दे नीड हेल्प एंड सपोर्ट टू परफॉर्म सम ऑफ देयर डेली एक्टिविटी, उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे उनके रोज़ के जो काम होते हैं उनको करने के लिए उनको मदद की या सपोर्ट की ज़रूरत होती है। दे मे बी ओल्ड पीपल इन योर फैमिली ऑल्सो, कि आपके परिवार में भी कोई ना कोई बुजुर्ग इंसान होगा। यू शुड रिस्पेक्ट, आपको क्या करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, एंड केयर फॉर देम, और उनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। You can help them in many ways, आप उनकी बहुत तरीके से मदद कर सकते हो। You can accompany them on their morning and evening walk, आप क्या कर सकते हो, उनका साथ दे सकते हो, कैसे, जैसे वो सुबह में और शाम के टाइम घूमने जाते हैं तो आप उनके साथ जा सकते हो, उनको कंपनी दे सकते हो। You can help them to take their food and medicine on time, आप उनकी मदद कर सकते हो समय पे खाना देकर, समय पे दवाइयाँ देकर। You can also read newspaper, आप उनके लिए अखबार पढ़ सकते हो, and magazine for them, और उनके लिए कोई किताबें पढ़ सकते हो। Thus, इस प्रकार you can help the old people in your family or surrounding area, इस तरीके से क्या कर सकते हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई बुजुर्ग हो या अपने आसपास कोई बुजुर्ग हो, सराउंडिंग एरिया मतलब आसपास के एरिया में कोई बुजुर्ग हो, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी आप हेल्प कर सकते हो।
Nowadays, आज के टाइम में क्या है, देयर आर ओल्ड एज होम एट मैनी प्लेसेज, बहुत सारी जगहों पे क्या बने हुए हैं, ओल्ड एज होम. ओल्ड एज होम क्या होते हैं, जिनमें बुजुर्गों को रखा जाता है. द ओल्ड पीपल हु आर एलोन, कि जो बुजुर्ग लोग अकेले हो जाते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है, लीव देयर उनको. दे आर गिवन प्रॉपर केयर एट दीज प्लेसेज, और इन जगहों पे क्या हो जाता है, उनको बहुत अच्छे से प्रॉपर केयर उनको की जाती है. सेकेंड नंबर पे आता है आपका डिफरेंटली एबल्ड पीपल. डिफरेंटली एबल्ड होता है जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जिसे कोई देख नहीं सकता, उसको क्या बोलते हैं, शारीरिक अक्षमता बोलते हैं. सम पीपल कैन नॉट सी स्पीक हियर और वॉक, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते, स्पीक बोल नहीं सकते, हियर सुन नहीं सकते, वॉक वो चल नहीं सकते. सच पीपल आर कॉल्ड डिफरेंट एबल्ड और फिजिकली चैलेंज, इन लोगों को क्या बोला जाता है, डिफरेंट एबल्ड बोला जाता है, या फिर इनको शारीरिक असक्षम इंसान बोला जाता है. पीपल हु कैन नॉट सी आर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड, कि जो इंसान देख नहीं सकता उसे अंधा या नेत्रहीन बोला जाता है. सम पीपल कैरी अ स्टिक विद देम टू वॉक अराउंड, कुछ लोग क्या होते हैं अपने साथ ऐसी छड़ी लेके चलते हैं. देयर आर स्पेशल स्कूल फॉर सच पीपल, और ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रकार के स्कूल होते हैं. दे लर्न टू रीड एंड राइट, दे आर यूजिंग अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल, और वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी एक ब्रेल लिपि होती है, उस लिपि के द्वारा, स्क्रिप्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, वो पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं. ब्रेल सिस्टम यूजेज रेज्ड डोर्स फॉर लेटर्स एंड नंबर्स ऑन पेपर. अब आपको ये पता होना चाहिए ब्रेल सिस्टम क्या होता है. आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें 6-6 पॉइंट बने हुए हैं. ब्रेल लिपि में क्या होते हैं, 6-6 डॉट होते हैं, जिनमें से कुछ डॉट तो खाली हैं और कुछ क्या है, ब्लैक है. जो ब्लैक डॉट है, ये वाले डॉट क्या होते हैं, उसके ऊपर उभरे हुए होते हैं ऊपर की तरफ, ताकि बच्चे को हाथ लगाने से पता लगे कि इसके अंदर कितने डॉट उभरे हुए हैं, और उन डॉट से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कौन सा वर्ड है. ब्लाइंड पीपल रीड बाय टचिंग दीज रेज डॉट, अब अंधे लोग क्या करते हैं, जो उठे हुए डॉट होते हैं उनके वो टच करते हैं विद देयर फिंगर, अपनी उंगलियों से. द पीपल हु कैन नॉट स्पीक आर कॉल्ड म्यूट, जो इंसान बोल नहीं सकता उसे गूंगा कह के बुलाया जाता है. द पीपल हु कैन नॉट हियर आर कॉल्ड डीफ, और जो इंसान सुन नहीं सकता उसे बहरा कहते हैं. डीफ एंड म्यूट पीपल यूज स्पेशल साइन लैंग्वेज, गूंगे और बहरे इंसान क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस करने के लिए, और शेयर करने के लिए देयर फीलिंग, अपनी भावनाओं को एक दूसरे को बताने के लिए, एंड थॉट और अपने विचारों को. दे यूज देयर हैंड्स एंड फिंगर्स टू शो सच साइन, और वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथों का और उंगलियों का यूज करते हैं इस तरीके के साइन को दिखाने के लिए. सम पीपल डू नॉट हैव अ लेग और एन आर्म, कुछ लोगों के एक हाथ या एक टांग नहीं होती, और सम मे हैव डिफेक्ट इन देयर लेग्स और आर्म, या फिर उनकी हाथों या टांगों में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है. दे मे हैव सच डिफेक्ट इन देयर बॉडी ड्यू टू सम एक्सीडेंट, या फिर उनकी बॉडी में जो ये डिफेक्ट आता है ये किसके कारण आता है, किसी एक्सीडेंट के कारण, इलनेस बीमारी के कारण, और बाय बर्थ या जन्म से ही उनके होता है. अ पर्सन विद डिफेक्टिव लेग कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, जिस इंसान की टांगों में डिफेक्ट होता है वो क्या होते हैं, अच्छे से चल नहीं सकते. ही सी यूज व्हील चेयर और क्रचिज टू वॉक, वो क्या करते हैं, या तो व्हील चेयर का या बैसाखी का सहारा लेकर चलते हैं. इसके बाद आते हैं आपके इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल, इनको बोला जाता है बौद्धिक रूप से विकलांग. द ब्रेन ऑफ सम पीपल डज नॉट डेवलप एंड वर्क प्रॉपरली, कुछ लोगों का दिमाग या तो अच्छे से विकसित नहीं हुआ होता या वो अच्छे से काम नहीं करता. दे आर कॉल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल, इनको क्या बोला जाता है, बौद्धिक रूप से विकलांग पीपल बोला जाता है. दे नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट, इन्हें विशेष देखभाल की और सपोर्ट की ज़रूरत होती है. डिफरेंट एबल्ड एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल डू नॉट नीड आवर सिंपथी,
कि जो बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं उन्हें हमारी सिंपत्ति की ज़रूरत नहीं होती, दे नीड अवर सपोर्ट, उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है एंड लव, और हमारे प्यार की ज़रूरत होती है। वी शुड बी काइंड एंड फ्रेंडली विद देम, हमें उनके साथ क्या होना चाहिए, दयालु और दोस्ताना होना चाहिए। वी शुड नॉट टीज देम, हमें उन्हें चिढ़ाना नहीं चाहिए। ये था आपका चैप्टर और अब हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में है टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट डू डीफ एंड म्यूट पीपल यूज टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करने के लिए जैसे गूंगे और बहरे होते हैं किसका यूज करते हैं, साइन लैंग्वेज। पीपल हु कैन नॉट सी यूज द, जो लोग देख नहीं सकते वो किसका यूज करते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट का। हाउ मैनी रेज डॉट्स आर देयर इन ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट में कितने डॉट होते हैं, 1 to 6 डॉट होते हैं उसके अंदर। हियरिंग एड्स आर यूज बाय पीपल हु, हियरिंग एड्स कौन यूज करता है, जो अच्छे से सुन नहीं सकता, कैन नॉट हियर प्रॉपरली। वेयर डू द पीपल हु कैन नॉट सी गो टू स्टडी, जो लोग देख नहीं सकते वो स्टडी करने कहाँ जाते हैं, ब्लाइंड स्कूल में जाते हैं वो। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन अ पर्सन ग्रो ओल्ड हिज और हर बॉडी बिकम्स वीक, सम ओल्ड पीपल लिव इन ओल्ड एज होम। डीफ एंड म्यूट पीपल यूज साइन लैंग्वेज, विजुअली इंस्पायर्ड पीपल यूज ब्रेल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स। वी शुड रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ओल्ड पीपल, ट्रू। सम ओल्ड पीपल लिव इन ओल्ड एज होम, ट्रू। डीफ एंड म्यूट पीपल कैन नॉट वॉक, गूंगे और बहरे क्या चल नहीं सकते, रॉन्ग, फॉल्स। पीपल विद डिफेक्टिव लेग यूज व्हील चेयर और क्रचेज, ट्रू। वी शुड टीच इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल, फॉल्स। नेक्स्ट है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ डू विजुअली इंस्पायर्ड पीपल लर्न रीडिंग एंड राइटिंग, विजुअली इंस्पायर्ड लोग, इम्पेयर्ड लोग जो होते हैं वो कैसे सीखते हैं रीडिंग और राइटिंग को, दे आर यूजिंग स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल, वो किसे सीखते हैं, ब्रेल लिपि के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल, द ब्रेन ऑफ सम पीपल डज नॉट डेवलप एंड वर्क प्रॉपरली, ऐसे लोगों का क्या होता है, जो माइंड होता है वो अच्छे से विकसित नहीं होता और पूरे तरीके से वो काम नहीं करता। हाउ डू डीफ एंड म्यूट पीपल कम्युनिकेट, डीफ गूंगे और बहरे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, साइन लैंग्वेज से। दे यूज साइन लैंग्वेज विद हैंड एंड फिंगर्स टू शो। हु नीड क्रचेज एंड व्हील चेयर टू वॉक, किसको जरूरत होती है, पीपल विद डिफेक्टिव लेग हैंड्स, जिनकी हाथों या टांगों में डिफेक्ट होता है उन लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, क्रचेज या व्हील चेयर की जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। ओल्ड पीपल को किसकी जरूरत होती है, स्टिक की, जिसके पैरों में डिफेक्ट है उसको क्रचेज की, और जिनको दिखाई नहीं देता उनको ब्रेल की। ये है आपका लेसन नंबर 3। आप अपनी बुक को फिलअप करना है, क्वेश्चन आंसर को आपको लर्न करना है।